गिना जाए, जो मापा जाए या जो देखा जाए, दैट इज नॉट द रियलिटी. रियलिटी कैन नॉट बी विजुलाइज. जो सत्य है उसे देखा नहीं जा सकता, उसे मापा नहीं जा सकता और उसे गिना नहीं जा सकता. अगर ये बात कहें तो वो शंकराचार्य जी ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या अपने आप साबित होता है. खैर, ये दो एक बातें मैंने आपके सामने रखी और आपको एक विशेष चीज मैं यहां इसलिए बता रहा हूं. आई एम टोटली इंस्पायर्ड विद द प्रेजेंस ऑफ दिस यादव जी. इज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन संस्कृत आई थिंक सो. वेद अपौरुषेय है, वेद सार्वभौमिक है. वेद की भाषा भी सार्वभौमिक है और वेद की भाषा भी अपौरुषेय है. ये किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है. लेकिन यहां आप लोग जितने बैठे हैं ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि विज्ञान में आपकी गति नहीं है. इसलिए बोलते तो हैं लेकिन जब कहीं किसी पश्चिम को इनकाउंटर करना पड़ता है, किसी पश्चिम के विद्वानों को जो कहता है तो गप्पियों का देश है, सपेरों का देश है, तो जब इनकाउंटर करना पड़ता है तो हम बहुत छोटे हो जाते हैं, क्योंकि हमारी वैज्ञानिक दृष्टि नहीं होती है, उनको समझा नहीं. लेकिन ये हम सब ने किया और हमारे जो शास्त्रों में जो कुछ भी है वो आज नासा कर रही है, आज का आधुनिक विज्ञान कर रहा है. अभी देखिए, दक्ष के सर काट दिया शंकर जी ने और बकरे का सर या भेड़े का सर लग गया. ये बात जब हम कहते थे तो पश्चिम हमारे ऊपर हंसता था कि गप मारने में भारत का कोई जवाब नहीं. लेकिन आज जब हेड ट्रांसप्लांट हो गया, आज हेड ट्रांसप्लांट जब हो गया, आज जब सरोगेट मदर है, आज जब डिजाइनर बेबी पैदा हो रहा है, तो हम आपकी ही बातों को, आपके शास्त्रों की बातों को विज्ञान के माध्यम से प्रमाणित कर रहे हैं. ये विज्ञान कार्य कर रहा है. तो अब रही भाषा की बात. ज्यादा समय तो नहीं हो रहा, चिट तो नहीं, दो मिनट बहुत देता, डर लगता है चिट कब आ जाए. तो प्रयाग ही है, थोड़ा सा हमारा ख्याल रखेंगे, इनकी बड़ाई कर दी मैंने. देखिए, नासा ने उसका प्रमाण खोजा और हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट है उसमें से जो करंट, जो वेव्स प्रभावित हो रही हैं हेलियोस्फीयर में, उसको हम लोगों ने फास्ट रेडियो ब्रस्ट जो उससे निकल रहा है उसको हमने रिकॉर्ड किया. और जब हमने रिकॉर्ड किया तो सूर्य से आप देख रहे हैं प्रकाश निकल रहा है. लेक्चर नहीं दे रहा हूं, आप लोगों से बात कर रहा हूं. हां ना बोलिएगा नहीं बंद कर दूंगा. सूर्य से प्रकाश निकल रहा है और प्रकाश की गति क्या है, एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर, एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर. अब आपके शरीर में रक्त संचालन हो रहा है तो उसमें एक ध्वनि निकलती है. आपको नहीं पता है, जो हार्ट पेशेंट है मेरे जैसा उनको मालूम है, वो इको जब कराते हैं तो ढाई ढूंच एक साउंड निकलता है. आप सांस लेते हैं, आपकी एक ध्वनि निकलती है. नहीं, इनहेल एक्सहेल करते हैं. रात को जब करें एकांत में तो ज्यादा अच्छी तरह से सुनाई देगी. पंखा चलेगा तो एक ध्वनि होगी, गाड़ी चलेगी एक ध्वनि होगी, आप भी तेज दौड़ेंगे तो एक ध्वनि होगी. जहां गति है वहां ध्वनि निकलेगी. वेयर देयर इज अ वेलोसिटी दैट एमिट्स साउंड. ये अलग बात है कि उसको हम सुन नहीं सकते. वो चींटी चलते हैं ना, सवेरे चींटी की महारानी उसको लेके जाती है काम पर, सारे लेबर होते हैं. अब उसमें आपस में बात करें, बहन तुमने अपने बच्चे को खाना खिला दिया, ठीक से स्कूल भेज दिया. अब हम नहीं सुन पाते लेकिन वह बात करती जाती है. बट इट इज बिलो देन 20 डेसिबल. 20 डेसिबल से नीचे हम नहीं सुन सकते, इसलिए बियॉन्ड बिलो 20 डेसिबल है
या 120 डेसिबल से ऊपर होगा तो हम नहीं सुन पाएंगे। तो नासा ने जो साउंड रिकॉर्ड की, वो जो प्रकाश 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से आ रही है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड इतने स्पीड से आ रही है, ध्वनि तो निकल रही। फिर इसका फॉर्मूला हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया, और उसको जब रिकॉर्ड किया तो 67 ऑक्टेव्स पर वो साउंड, और वो मिलियन बिलियन टाइम बिलो देन आवर एडिबल कैपेसिटी, हमारे सुनने की क्षमता से मिलियन बिलियन टाइम बिलो पिच पर उसको हमने लाउड किया। और जब हमने उसको लाउड किया तो हम उसको 18 डेसिबल तक ले आए, और उसको सुनने का हम हमारे पास है पेन ड्राइव में, शाम को अगर समय मिला तो सुना भी दूंगा। तो हमने उसको सुना, और जब हमने उसको सुना तो जानते हैं हम कौन सी ध्वनि है, सूर्य से जो निकल रही है, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से। यही तो है ना कि सुन लीजिए फिर बोलिए मैं यहां खड़ा क्यों हूं बताने। सूर्य से जो ध्वनि निकल रही है, आप जानते हैं सूर्य से 9 रश्मियां निकल रही हैं, 7 तो है ही है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, 7 है। एक अल्ट्रा वायलेट है वायलेट के ऊपर, और एक इंफ्रारेड है जिसे हम पैरा बैगनी और रक्तिम लाल कहते हैं। 9 रश्मियां निकल रही हैं और चारों तरफ से निकल रही हैं, तो 9×4 हो गया ना, चारों तरफ से निकल रही हैं। ये 9 प्रकार की रश्मियां निकल रही है, 700 रश्मि है वो अलग छोड़ दीजिए, उन रश्मियों के फिर एक्सटेंशन हो रहे हैं, 700 रश्मियां निकल रही हैं, लेकिन प्रकार नहीं है। तो 9 प्रकार की रश्मियां निकल रही हैं, और उनकी अलग अलग स्पीड वही है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो उसमें से जो ध्वनि निकल रही है वो है, वो ध्वन्यात्मक है, मानुषी भाषा में नहीं। ओम इं उं रिं लिं ये ध्वनि निकल रही है, अनुस्वार और विषम ये निकल रही है। जब मैंने इस ध्वनि को सुना नासा ने, तब मैं मेरे दिमाग में सतपथ ब्राह्मण घूम गया। सतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है स्वर देवा सूर्य, ये स्वर को देता है इसलिए ये सूर्य है, इसका नाम सूर्य इसलिए पड़ा है कि ये स्वर देता है। और वहां सारे स्वर निकल गए, हर वॉइस। और पृथ्वी जो है अष्टाक्षरा है, अनुष्टुप छंद में चल रही है, 8 डिग्री बिलो है सूर्य के इक्वेटर से, 8 वसु हैं पृथ्वी के, इसलिए इलेक्ट्रॉन जब अपने 8वें साइकिल में जाता है तो मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, साइंस का फॉर्मूला। तो वो 8 में घूम रही है, 9 किरणें आ रही है सूर्य की, तो चारों तरफ से निकल रही है, लेकिन पृथ्वी हमेशा एक तरफ रहती है ना सूर्य के, तो 9 का 8 से इंटरेक्शन हो रहा है, तो 9×, अच्छा वो चारों तरफ निकल रही है 9, वो जो अभी सुनाया मैं, तो 9×4=36, तो 36 स्वर निकल रहे हैं। अब यादव जी बोलेंगे कहां 36 स्वर, 12 तो स्वर हैं, अब 36 बात करते हैं। तो उद्गात अनुद्गात और स्वर 12×3 कर दीजिए 36 हो जाता है कि नहीं, तो 36 वो निकल रहे हैं, तो वो ध्वनियां निकल रही हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहा हूं, प्रश्न भी करूंगा। फिर उसके बाद में 36 स्वर निकल रहे हैं, और जब 9 का 8 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो 9×8=72, तो 72 व्यंजन बन रही। तो पृथ्वी जो घूम रही है 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो मैंने अभी